हेलो बच्चा पार्टी। तो बेटा जी, क्या हाल चाल? आप सब बढ़िया होगे? तो आज के इस सेशन में हम रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने बोला था कि कैसे रेस्पिरेशन होती है, कैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन और कैसे एरियाबिक रेस्पिरेशन होती है। और उसी टॉपिक में मैंने एक पॉइंट को छेड़ा था कि कैसे बेटा जी, कैसे, हाँ जी बेटा, कैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, वो हमने देखा था। तो आज के सेशन में यही देखिए कैसे हम ब्रीथिंग करते हैं और कैसे हम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो आज जल्दी से देखते हैं क्या क्या हो, पढ़ते हैं हम बेटा जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन वेरियस एनिमल्स, कैसे अलग अलग एनिमल्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेगी, जो हमारे सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कैसे ब्रीथिंग होती है। तो जी बेटा, हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा बेटा जी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन वेरियस एनिमल्स। तो आपने पढ़ा होगा, आई होप, मुझे पता है कि आपने कुछ थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा होगा कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, उसमें से जो रेस्पिरेशन होती है, जो ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। या हमारा अर्थवॉर्म ले लीजिए, उसमें क्या होता है बेटा जी, उसमें रेस्पिरेशन जो होती है वो स्किन की वजह से होती है। तो इसके अलावा हमारी जो फिश है, हमारी जो पाइसेस, क्लास पाइसेस है, वो किससे ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ बाई गिल्स, यानी वो अपना रेस्पिरेशन कहाँ से और अपना ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं? गिल्स। वो वाटर अपने मुंह में ले लेते हैं और वहीं से ही ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। वाइल हमारे जो एम्फीबियंस है बेटा जी, वो बोथ एम्फीबियंस यानी बोथ, यानी वो हाँ पानी में भी रहते हैं, हवा में भी, टेरेस्ट्रियल लैंड में भी रहते हैं। तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कर लेते हैं? उनके पास दोनों चीजें होती है, लंग्स भी होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पानी में बाय द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन से होती है, मॉइस्ट स्किन। और इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। हाँ जी बेटा, क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे हम में ह्यूमन्स में कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो हमारी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो स्टार्ट होता है नेजल कैविटी से, यानी एक्सटर्नल नेयर जिनको हम बोलते हैं, और उसके बाद नेजल पैसेज आती है। हाँ, और उसके बाद नेजल पैसेज के बाद हमारा ओरल कैविटी आती है। हाँ जी बेटा, ओरल कैविटी यानी इंटरनल नेयर से होके ओरल कैविटी में चला जाता है, और उसके बाद यानी हमारी जो ओरल कैविटी, उसके बाद वो फेरिंग्स से चला जाता है। और फेरिंग्स से किस में चला जाता है बेटा जी? ट्रैकिया, हमारी ट्रैकिया, या जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। और मैंने पिछली बार आपको बोला था, ट्रेकिया के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बजने, इनके वोकल कॉर्ड्स के बजने से ही हम में साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद जो हमारी ऑक्सीजन है वो किधर जाती है? वो प्राइमरी ब्रोंकस में चली जाती है, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंक, उसके बाद टेरिशरी ब्रोंक, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स से हमारे एल्वियोलाई में चली जाती है। हाँ जी बेटा, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए बेटा जी, डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है बेटा जी? डायफ्राम हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स यानी हमारा जो स्ट्रेनम है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करता है। अगर स्ट्रेनम, अगर डायफ्राम, सॉरी, अगर डायफ्राम रिलीज्ड पोजीशन में है, यानी अगर हमें क्या करना है, एक्सहेल करना है, तो डायफ्राम आर्च्ड यानी डोम शेप्ड हो जाता है। वाइल जब कंट्रैक्ट करता है तो ये स्ट्रेट फ्लैट बन जाता है। और उसके अलावा देखिए बेटा जी कैसे, तो आपने देखा कि कैसे ट्रेकिया से ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टेरिशरी ब्रोंकस में चली, और टेरिशरी ब्रोंकियोल से कैसे हमारे एल्वियोलाई में चली जाती है। और ये जो एल्वियोलाई सैक्स है, इनको एयर सैक्स भी बोलते हैं बेटा जी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा जी?
ब्लड फ्लो यानी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है यहाँ पर फ्लो करता है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरह सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ब्लड के साथ चिपक जाता है। क्यों ब्लड के साथ ही क्यों चिपक जाता है, आरबीसी के साथ ही क्यों चिपक जाता है? हाँ बेटा क्यों चिपकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और जब उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उस हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वाइल एज जो वीनस ब्लड होता है जो वेन से आता है वो यहाँ से क्या बेटा जी जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से चला जाता है बेटा जी, वो सिंपल डिफ्यूजन से हमारे नोस्ट्रल से फिर बाहर चला जाता है। और इनहेलेशन को हम दूसरा ना इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, याद रखना है बेटा जी, इंस्पायरेशन बोलते हैं। और वाइल एज जब हम एक्सहेल करते हैं यानी बाहर फेंकते हैं हवा को, तो बेटा जी कैसे, हाँ उसको हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। और याद रखना बेटा जी हम में कैसे हाँ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, वो आपने तो भी पढ़ा होगा जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होती है, हाँ जो हमारे स्ट्रेनम के साथ जुड़ी होती है, वही अप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, उसकी रिलैक्स होने से हम में ब्रीथिंग हो जाती है। आई होप बेटा जी आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन हार्ट, हाउ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड, और हम वहीं पर सर्कुलेटरी सिस्टम सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अल्लाह हाफिज।